हाउ ब्रेन वर्क सीरीज के चौथे वीडियो में स्वागत है। हमने बात की थी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी के अंदर ताकत होती है, उसके अंदर पावर होती है। तो जब भी किसी आइडिया के आने के बाद एक इमोशंस हमारे ब्रेन के अंदर आता है और उसके साथ साथ होप आती है, हमें आशा होती है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है अगर हम इस काम को करेंगे तो ब्रेन में डोपामिन का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ होती कैसे है? तो जब भी आप कोई काम सोचते हो कि मैं इसको करूँगा तो ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में आप तस्वीरें देख लेते हैं कि मैं इस काम को करने वाला हूँ। तो अगर तभी हम बोल रहे हैं ना क्लैरिटी की बात, कि क्लैरिटी का मतलब पिक्चर से आता है। तो आप तस्वीरें देख लोगे और उन जितनी ज़्यादा तस्वीरों को बनाओगे कि आप उन कामों को कर सकते हो तो उतना ज़्यादा विजुअलाइजेशन होगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो एक विजुअल रोड मैप बना के दे देगा कि आप ऐसे ऐसे करोगे प्रैक्टिकली लॉजिकली, तो आपके दिमाग में कहीं रुकावट नहीं आएगी सोचने में, आपको सब चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो तब आप अपने गोल को पा पाओगे क्योंकि उसमें क्लैरिटी भी है, प्रैक्टिकल भी है, वो लॉजिकल तरीके से स्टेप वाइज तरीके से आपकी फ्यूचर की विजन आई उनको देख भी सकती है और एक क्लियर कट पिक्चर बनी हुई है। तो क्लियर कट पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि जब जब आपका ब्रेन सोचेगा वो आपको पूरी मैप बना के एकदम से दिखा देगा 3D में कि आप कैसे कैसे कर रहे हो और कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके बाद आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। पर अगर रियलिटी और फ्यूचर की जो विजन है उन दोनों में सिंक नहीं है, सोचने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, डाउट्स आ रहे हैं कि आपने सोचा मैं आज 10,000 कमाता हूँ कल मैं 1 करोड़ कमाऊँगा, पर कोई रोड मैप नहीं है, तो आपको अंदर से कोई होप नहीं आएगी, डोपामिन नहीं आएगा। उसके बजाय राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एंग्जाइटी स्ट्रेस आएगा, अमाइगिटला का जो फियर का सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे में वही तरीका है, लॉजिकल एक्शन बेस्ड गोल बनाओ, कि गोल इन टर्म्स ऑफ एक्शन, कि आप एक्शन ले लेके अपने गोल्स को पाए जा रहे हो, और एक्शनेबल टाइमलाइन हो, कि माइलस्टोन हो कि भाई मुझे इस काम को करने में 1 हफ्ता लगेगा, इस काम को करने में 2 हफ्ते लगेंगे। आप काम की बात कर रहे हो, आप आउटकम की बात नहीं कर रहे हो कि इस काम को करने से क्या मिलेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप क्या काम कर सकते हो उस 1 हफ्ते में वो डिसाइड कर सकते हो, 1 महीने में क्या कर सकते हो डिसाइड कर सकते हो। यू शुड वर्क ऐसा कि आपका लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि दुनिया के सारे रिजल्ट एक्शन लेने से आते हैं, सोचने से नहीं आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप गोल की डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो, छोटे छोटे माइलस्टोन पा रहे हो, माइलस्टोन पाने का यही बेनिफिट होता है कि आपको दिखता जाएगा कि आप लगातार निरंतर अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। आज आपका वजन 80 किलो है, आपने 70 किलो तक पहुंचने का गोल बनाया है, तो अगर 80 से 79 आ रहे हो तो 79 से 78, तो आपको दिख रहा है कि आप अपने माइलस्टोन पाते जा रहे हो। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन के पैराइटल लोब में जाती है। पैराइटल लोब ब्रेन का वो हिस्सा है जो कैलकुलेट कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, कि पहले हमने इस काम को किया है नहीं किया है, कि पास्ट में कभी आप इस काम को कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। तो अगर पास्ट में उस काम को नहीं कर पाए थे तो अभी जो माइलस्टोन आप पाते जा रहे हो तो पिछला वाला जो माइलस्टोन आपने पाया है वो आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यस यू कैन डू इट। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है। उसको तरीका है कि पहले छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ, धीरे धीरे जब कैपेबिलिटी बढ़ जाए कि आप पीछे मुड़ के देखो कि हाँ मैंने ये छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव किए थे, अब आप बड़े माइलस्टोन बना सकते हो। तो फाइनली बात वही आती है हैबिट मास्टरी की, यू शुड स्टार्ट स्मॉल, जिसमें लॉजिकल और प्रैक्टिकेबल और एक्शनेबल स्टेप्स हो, और बड़ा सोचो, बड़े गोल के बारे में सोचो, बड़े गोल से जो रिवॉर्ड की आशा होती है वो आपको मोटिवेशन बना के रखती है। एक्शन गोल बनाओ, बड़े बड़े माइलस्टोन बना के रखो और कुछ बड़ा करो। सी यू।